स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बेटा ओपनिंग स्क्रीन ऑफ अ टैबलेट के बारे में। जब भी हम हमारे कंप्यूटर को ओपन करते हैं बेटा, तो हमें एक स्क्रीन दिखाई देती है जिसे हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। एज यू स्विच ऑन अ टैबलेट, द ओपनिंग स्क्रीन ऑफ अ टैबलेट अपीयर सेम एज इट इज़। बेटा जब भी हम हमारे टैबलेट को ओपन करते हैं तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एक स्क्रीन हमें विजिबल होती है। एज इन अ कंप्यूटर, द बैकग्राउंड पिक्चर ऑफ अ टैबलेट स्क्रीन इज ऑल्सो नोन एज वॉलपेपर। कंप्यूटर की तरह ही बेटा जो टैबलेट के बैकग्राउंड में जो पिक्चर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसका वॉलपेपर बोलते हैं। ऑल द आइकन ऑफ अ स्क्रीन आर प्रेजेंट द फोरग्राउंड ऑफ द बैकग्राउंड पिक्चर। और जितने भी आइकन्स होते हैं बेटा, वो उस पिक्चर के फोरग्राउंड यानी कि आगे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। यू कैन टैप एंड ओपन दिस आइकन्स। आप बेटा सिंपली इन आइकन्स पर क्लिक कर सकते हो और क्या कर सकते हो, इन्हें ओपन कर सकते हो। उसके बाद इसने बोला बेटा, जैसे हम हमारे डेस्कटॉप की पिक्चर चेंज कर सकते हैं, सेम एज इट इज़ हम हमारे जो टैबलेट की बेटा बैकग्राउंड पिक्चर उसे भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ स्टेप्स हैं। टू चेंज द बैकग्राउंड पिक्चर, जो मैंने टैबलेट की बैकग्राउंड पिक्चर उसे चेंज करने के लिए बेटा, टैप दिस आइकन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल बार। जो आपका हॉरिजॉन्टल बार होता है बेटा टैबलेट का, इसके ऊपर ना कुछ तीन डॉट्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उन डॉट्स के ऊपर क्लिक करो, ठीक है, जो आपके यहाँ पे प्रेजेंट टैबलेट के ऊपर प्रेजेंट है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते बेटा, तो आपको एक क्या होती है, एक लिस्ट अपीयर होती है। उसके अंदर बेटा अलग अलग ऑप्शन होते हैं, उसमें से आपको क्या चूज़ करना है, वॉलपेपर ऑप्शन को चूज़ करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते बेटा, तो क्या होती है, एक स्क्रीन ओपन होती है बेटा। उसके अंदर क्या आता है, आपका वॉलपेपर ऑप्शन आता है। फिर उसके अंदर से क्या करो बेटा, सिलेक्ट द वॉलपेपर। उसके बाद बेटा आपको जो भी वॉलपेपर चाहिए उसको आप सिलेक्ट करो और सेट वॉलपेपर बटन पर क्लिक करो।